कन्नौज से लेके फरुखाबाद छिबरामऊ तक करते हैं। हाँ भैया, अगर हमने बाउस का गलत दिया तुम्हें नहीं, ज्यादा ऊपर नीचे वाली बात है। तुम्हारी खूब इच्छा हुए, दोनों लाटे चाहिए ना, इतनी ना इक्यानवे ना कोई का चाहिए नहीं, लेकिन हम डराई दिए दोनों तुम्हारी, उनका चाहिए 30-40, लेकिन हम डराई दोनों दिए। तुम्हारी खूब इच्छा हो तो 86 रुपए हटा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। इस समय मौजूद है माँ सरस्वती ट्रेडिंग कंपनी पे ठटिया मंडी कन्नौज में। और किसान भाइयों, आज का आलू जो है आपको भाव बताने वाले हैं। मंडी की आमदनी भी देख लीजिए, मंडी की आमदनी कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी आलू के भाव में कहीं ना कहीं घोर गिरावट आई है। कल से अगर देखा जाए कितनी गिरावट है, क्या रेट है, उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। आपको सफेद बिक्री दिखाने वाले हैं, देख सकते हैं आगे आलू लगा है और ये जो है लाल आलू बिक भी चुका है शायद, इसकी बिक्री अभी हम बताएंगे क्या रेट में हुई है भैया लोगों से। लेकिन जो है सफेद आलू की बात चल रही है, तो ये आलू है शायद, इसकी बातचीत चल रही है क्या रेट इसका भैया ने रखा है, वो भैया से जानेंगे। भैया क्या रेट रखा है इसका? इसका हमने भाव रखा है 305 रुपए सफेद का। तो भैया ने 305 रुपए रखा है इस वाले आलू का। देखिए आलू भी आप लोग देख सकते हैं, आलू की क्वालिटी कुछ ये है, ज्यादा मोल 5 रुपए का अंतर है बस। अच्छा, ज्यादा ऊपर नीचे वाला रेट बताया नहीं है? नहीं। चलिए, तो भैया ने जो है ज्यादा ऊपर नीचे वाला रेट बताया नहीं है। आलू ये है, देख सकते हैं भैया, इससे पीछे पीछे वाला लाल बेचे हैं क्या रेट बेचे? वो बेचा 71 रुपए, 371। तो किसान भाइयों ये देख भी सकते हैं, ये आलू है, इसकी बिक्री जो है भैया ने 371 रुपए में की है। तो आलू के भाव में कहीं ना कहीं गिरावट है परसों के रेट से अगर देखें, दो दिन से, कल और आज। अब देखें, हाँ बोरी कटवा लीजिए भैया, बोरी कटवा लीजिए। तो देखिए बिक्री भी आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। ये देखिए आलू है और बोरी कटने जा रही है, इसकी दूसरी बोरी कटेगी उसके बाद। तो भैया ये बताया हमें गिरावट कितनी है परसों से देखा जाए, कल और आज? गिरावट लगभग मान लीजिए 80-90 रुपए। 100 रुपए सीधी सीधी मानो, दोनों में, दोनों सफेद और लाल में, सफेद में अंतर आ गया 50-60 रुपए का, मैं बताया। हाँ परसों से तो आया है, सही बात है। अच्छा, कल से 50 रुपए, कल 400 के नीचे गिरी लाल वाली, और वही करीबन 350-350 के बीच में कल सफेद भी का। हाँ हाँ। आज वो भी उससे भी टूटी है कुछ है? नहीं, 50 टूटी है। परसों से अगर देखे तो कल जैसे हम आए नहीं तो उसका अपडेट नहीं, लेकिन परसों से 100 रुपए पूरी टूटी है मंडी। हाँ, तो किसान भाइयों आप लोग अनुमान लगा सकते हैं 100 रुपए की मंडी टूटी है। कल का आपको अपडेट नहीं दे सके, उसके लिए माफी चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे। लेकिन आज की जो है आप देख सकते हैं आलू जो है आपके सामने, सफेद आलू की बिक्री दिखाने वाले हैं इस समय आपको वीडियो में। तो आलू भी देख लीजिए और आलू का रेट भी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। देखिए ये आलू है और रात का इस समय समय है, अब आपका ये जो रेट है, रेट आपको इसी वीडियो में पूरा बताना लगेगा भैया क्या रेट इसका। 301 रुपए भैया, 305 बताया है इस वाले आलू का। अब वो देखिए दूसरा, एक वो लाट है, एक ये लाट है, दोनों अलग अलग। तो भैया ये वाली 60 की है, वाली हम 300 नीचे नहीं आलू देंगे। हाँ अच्छा, ये 58 है और ये 60 है किसान भाई। हाँ अरे करिया मिट्टी हो चाहे भूरी मिट्टी हो, तो कोई लेना नहीं ले मिश्रा जी, बढ़िया मिट्टी है। हाँ देखो पूरा दहेज ज्यादा, दहेज ज्यादा और 2000। हाँ नीचे नहीं मारा लिखे जी, आलू बढ़िया है मिश्रा जी। हमने कहा कि 10 रुपया अंतर से बोल रहा हूँ, सिर्फ हमने 11 रुपए भाव दिया था, फिर हमने 5 कर दिया है। अब समझो मेरी बात, ये बोरी कटाओ, कटाई लो कटाई लो, बोरी कटाई लो। ये देखो किसान भाई, एक वो लाट है, ये भी लाट है, ये भी देखो, ये सामने कट रही है, देखो चलो ले सामने कटेगा, देख लीजिए आप लोग। आलू भी देखिए, ये आलू है किसान भाइयों, देखिए आलू देखो, ये देखो ले पूरा देखो भैया, रिकॉर्डिंग होता है। हाँ पूरी रिकॉर्डिंग हुई रही, वालों दिखाओ सब दिखाओ, तो वो तो दिख ही रहा है, वो लाइव चल रहा, दिख रहा है आसमान, वो तो दिख ही रहा है। अब इन व्यापारी झगड़े इकट्ठे ढेर हुई, जामे जाए कहाँ बेच लिए वाले, वो तो दिख ही रहा है। चलिए किसान भाई, वो नीचे वाले हाँ बताओ भैया, बात ना करते ना करते, एक बात बताओ, एक ही हिसाब से काट दियो 305 रुपया, एक ही हिसाब से बताओ। हाँ तो एक ही हिसाब ले लो, एक हिसाब से तो भाव बताओ,
ये भीतर वाली लाट है। मिश्रा जी ज्यादा ऊपर नीचे वाली बात नहीं करी भाई। बहुत दिन अच्छे कैसी बात करो आप मीडिया वाले हैं ठीक है, पूरी मंडी में करते हैं, कन्नौज से लेके फरुखाबाद छिबरामऊ तक करते हैं। हाँ भैया अगर हमने भाव इसका गलत दिया तुम्हें नहीं ज्यादा ऊपर नीचे वाली बात है। मालूम तो है मिश्रा जी रेट ज्यादा गलत है। खुल के बेचने लगे तो दियो, अगर खुल के कान लगे कि हाँ ये बिको पलानी का दियो दियो फरुखाबाद का बिको भैया मीडिया का फरुखाबाद भैया कुंटल के हिसाब बिको जाए रेट मान लो इन्हें ज्यादा ऊपर नीचे बताओ ना मतलब हमारी रोटी है इन्हें ऊपर नहीं बताओ बताओ फिर यार दाना 301 लिखो 301 लिखो 301 फैसला 301 लिखो ले बात खत्म हो गई। 5 बताए ये सारे एन कत्ती वन जहां जाए वो मैं कहूं पहले पहले बोल दी तुमने सिर्फ अंतर रहेगा 5 रुपए का 5 रुपए का अंतर रहेगा 600 क्विंटल तो चली रहे 600 क्विंटल तो चली रहे तुम्हारी खूब इच्छा हुए दोनों लाटे उनका चाहिए ना इतनी ना 91 ना कोई का चाहिए नहीं लेकिन हम डराई दिए दोनों तुम्हारे उनका चाहिए 30-40 लेकिन हम डराई दोनों दिए तुम्हारी खूब इच्छा हुए तो 86 रुपए आटा ऊपर 86 अरे यार भैया आपने खरीद लिया आपने बेच लो बात खत्म हो गई चलो कैंसिल करो 91 रुपए के लिखा मेरी सुनो हम ज्यादा बात नहीं कर रहे खूब बैठे हैं अब मतलब अगर तुम 1 रुपए का महाराज कहो मोह नहीं मनी ये दोनों 301 लिखी दे और जा लिखी दी तुझे क्या सी क्या वो कम कर लीजिए रेट जाको अरे क्या बता दिए भाई अच्छा ये ले 20 रुपया कम होगा इतना बड़ा अंतर रहा है भाई साहब इतना अंतर रहा है यो वो कम कर लीजिए 18 ज्यादा ना वो रेट अपने कम कर लीजिए भाई बाकी होगा बताई तो दे 80 बताई दे भैया ने ये देखिए किसान भाई इसके बताए भैया 280 301 और 301 रुपए रेट चलो बंद कराओ चलो बंद कराओ 301 रुपए 91 एक बंद कराओ यार भाई साहब अरे 91 बताई रहे हो तो बात खत्म करो फिर चलो भैया मिश्रा जी आलू बढ़िया है काहे जा रहे हो छोड़ के चलो अरे कोई दिक्कत नहीं मतलब बिल्कुल जो फिक्स बता रहे हैं कोई दिक्कत नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं अरे किसान लोग हम पूछो ये तो प्रथम फल लगा रहे हो तो किसान भाइयों मिश्रा जी ने जो है व्यापारी जी जो है उन्होंने 291 तक पहुँचे हैं 301 रुपए हमारे भैया की डिमांड थी और अरे ये ना भाई यार नाराज ना हो करो ये ना भाई लिखाओ अब लिखाओ इतनी देर अरे ₹300 कम हटाओ चलो 3 दिन बंद करो बंद करो 3 दिन में 1 रुपया 99 ना मिश्रा जी भजाओ ना करो वीडियो मजा ना यार देना वो मीडिया वाले हाँ बताओ महाराज तुम ही ना महाराजा महाराजा आओ महाराजा महाराज ये कार्य लिखे जाओ ना लिखी जाओ जी लिखी पहले ये क्लियर हुई है के बाद ना क्लियर भी है क्लियर है भैया ने कह दिया तुमने कसम खाई गई तो भैया ने मेरी कसम तोड़ दी 1 रुपए की 300 में कह दी हमने 300 की बात करी थी 301 1 रुपया के लिए बड़ा भारी भैया अरे हम बता रहे 96 बंद करो बाको 96 बंद करो चलो 96 बंद करो ठीक है मिश्रा जी अपना कहियो 96 बंद करो बीच वाली बात चलो ये 96 किसान भाइयों 96 बंद हुआ 296 रुपए में दोनों लाटे जो बंद भाई हटाओ काय फालतू इतनी खींच रहे हो महाराज जी डाल ले महाराज दो आलू है समझो करो महाराज जी डाल ले अरे भैया यार 23 रुपए का डाय यार कुछ ना ज्यादा भैया 23 रुपए का डाल ले डाल ले बंद करो पैकेट कटाई ले पैकेट कटाई ले ये बात मानी है किसान भाइयों देखिए ये वाला आलू है और ये 23 पैकेट की लाट है और इसकी भी बिक्री जो है इसी में हो जाएगी तो कुछ रेट डाउन होके होगी लेकिन आलू के हिसाब से उसी हिसाब से हो जाएगी ये वाला आलू जो है किसान भाइयों 296 रुपए में बिका है बड़ा खींच के देखिए ये वाला आलू आप देख सकते हैं माँ सरस्वती ट्रेडिंग कंपनी ठटिया मंडी में अब ये आलू है इसकी भी देख लेते हैं और उसके बाद इसकी भी बिक्री फाइनल हो जाएगी इसी वीडियो में
चलिए किसान भाइयों, 23 पैकेट की लाट जो है ये भी आलू आ गया। देखो कोई कोई आलू कोई अंतर नहीं है मिश्रा जी, नहीं नहीं मिश्रा जी मीडियम आलू है, कोई अंतर नहीं है कोई कोई। हाँ सबसे बड़ी बात है कोई ऐब नहीं है, आलू चिकना है एकदम, आलू चिकना है। इनको बवाल है तितरिया तितर के दो कई दे कई दे। हाँ ले वही बात हम बात दो रहे बाह कई दे कई दे का आधा बारे यार भाई। हाँ हाँ अब तेज कहाँ लगा रहे हैं। अरे यार का समझाए बुझाए चला उलारी ना भरो ना उनके आगे तुम थोड़ी जीती हो। हाँ जब तक वे है हाँ तक तुम फेल वे हो। हाँ हमारे से कह देता है हाँ उलारी ना भरो जो तकलीफ हमें हुई जाए। हाँ चला मैं कहाँ लिखेगा सुनो ये तेज बोरी है किसकी भैया? मीडियम आलू है और 10-20-30 रुपया के अंतर बिकता है, ये तुम्हारा 61 रुपए का आलू लिखा जा रहा है, बताओ लिखे कि ना लिखे। शांत रहो चला लेगा। तो मिश्रा जी के नाम पे किसान भाइयों ये वाला भी आलू 261 रुपए में ये बंद हुआ, थोड़ा मीडियम साइज का आलू था, आलू मतलब ठीक था लेकिन मीडियम साइज का था इस वजह से। और ठीक है भैया तो 261 रुपए ये और 296 रुपए वो वाला बिका है। और लाल वाला भैया अपना लाल वाला 71 रुपए 371 371 रुपए में लाल बिका, माँ सरस्वती ट्रेडिंग कंपनी, दुकान नंबर अपना क्या पड़ता भैया? दुकान नंबर माँ सरस्वती ट्रेडिंग कंपनी और ठटिया मंडी कन्नौज में। आमदनी देखिए जीरो है लेकिन फिर भी आलू के भाव में गिरावट है। किसान भाइयों से सभी से अपील है कि मंडी का रेट कुछ सुधरे तभी आलू खोदें, अगर गुंजाइश हो कुछ दिन की तो आप आलू रोक सकते हैं। किसान भाइयों धन्यवाद।